गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता है। कौन कहता है वैकेंसी नहीं है? रेलवे में देखो कूट कूट के वैकेंसी है, 10,000 पोस्ट अभी खाली है आईटीआई वालों के लिए। तो एक सजेशन मैं ये दूंगा आप सभी को, जो भी डियर स्टूडेंट है, अभी आप जो डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो अभी कच्चे उम्र के ही हो, आईटीआई को भी पैरेलली ज्वाइन कर लो। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, मैकेनिक में, किसी ना किसी में आईटीआई भी कर लो, काम आएगा। नौकरी बहुत निकलती है आईटीआई बेसिस पे। इंजीनियर डॉक्टर आजकल नहीं चाहिए, अब वो नहीं चाहिए। आजकल चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, आजकल चाहिए ये आईटीआई वगैरह। इन्हीं को प्रमोट करके लास्ट में इंजीनियर बना देंगे। मैं खुद देखा हूँ, मैकेनिकल से अप्रेंटिस ज्वाइन करके आज मैकेनिकल इंजीनियर इन रेलवे। तो रेलवे बहुत बड़ा कहानी है। आरआरबीजेई का वैकेंसी देख ही रहे हो कितना अनसर्टेन है, वैकेंसी आता ही नहीं है। ये जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश जब से हुई है, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट एक चीज जरूर मालूम हो रहा है कि जब से ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है, हम लोग उसी समय पास आउट किए थे, मतलब 2013 में लगभग हम लोग पास कर गए थे इंजीनियरिंग। तो उस समय स्टार्टिंग था, इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आई थी। लेकिन जो सेकेंड सेशन इस गवर्नमेंट का रहा है, इतना बुरा इम्पैक्ट डाला ना इन लोगों ने कि मत पूछो। यूथ का जीना हराम कर दिया, सारा पीएसयू बेच दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नहीं तो पहले गेट के बेसिस पे, आज कोल इंडिया लिमिटेड की 160 वैकेंसी आई है सिविल के अंदर, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहले और ज्यादा आता था, बहुत ज्यादा आता था, इसलिए गेट एग्जामिनेशन की उतना ज्यादा क्रेज थी। लेकिन आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का क्रेज ही खत्म हो गया। चलो अभी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ वो बात कर रहा है कि हम गेट के थ्रू से एब्जॉर्प्शन लेंगे, देखते हैं फिर क्रेज बढ़ेगा गेट का। लेकिन कहूंगा यही कि यूथ का जीवन बर्बाद कर दिया। वैकेंसी में बहुत ज्यादा कट ऑफ हुई है, बहुत ज्यादा कट ऑफ। बहानाबाजी ये हुआ कि कोरोना था इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं ले पाए। देश के लोगों ने समझा, बच्चों ने समझा, सभी ने समझा, हाँ चलो भाई कोरोना 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 कोरोना। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी वो जो बैकलॉग वैकेंसीज है उसको क्यों नहीं वापस ला रहे हो? जो परमानेंट जॉब थी उसको भी कैंसिल करके आप एक नया स्कीम लेके आ रहे हैं। जैसे अभी अग्निपथ का हंगामा देख ही रहे हैं, स्टूडेंट को मतलब क्या टेररिस्ट, उपद्रवी, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अरे आपने इतना सारा काम किया, मतलब बहुत सारे पॉलिसीज किए इस गवर्नमेंट ने, नोटबंदी, जीएसटी, बहुत सारा, बहुत अत्याचार, बहुत बहुत सब कुछ किया। लेकिन फाइनली अभी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, क्यों कर रहे हैं? अरे उनको नौकरी चाहिए। वो आप लोग जैसा नहीं है कि पॉलिटिशियन एक बार बन गया तो 300-400 करोड़ रुपया लेके बैठ गया तो जीवन भर अपना खर्चा चलता रहेगा, पेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। तो वो पॉलिटिशियन हर एक आदमी नहीं है, वो स्टूडेंट है, उसको नौकरी चाहिए साहब। तो थोड़ा स्टूडेंट के प्रति भी अपना संवेदनशीलता दिखाइए। जितना आप फॉरेन जाके दिखाते हो उतना देश के अंदर थोड़ा स्टूडेंट को दिखाइए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बोल के माइंड वॉश लोगों का। अभी अच्छे दिन लेके आ गए बिजनेसमैन के लिए। अभी क्या है, ये जो अग्निवीर का आप देख ही रहे, इसमें क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी दे रहा है सबसे पहले तो, और उसमें से भी कह रहे हैं कि 25% को ये परमानेंट करेंगे। तो क्या गारंटी है वो जो 25% को परमानेंट करने का टाइम आएगा उस समय लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा? पॉलिटिशियंस है, दे कैन डू एनीथिंग, वो किसी के नहीं होते, हमारे और आपके जैसे ही हैं, खाने वाले, सोने वाले, अपना काम धाम करने वाले। भगवान मत बना दीजिए, चढ़ा मत दीजिए फालतू का, जबरदस्ती का चढ़ा दिया जाता है। अरे गवर्नमेंट पब्लिक के सेवा के लिए है, उसका काम खाली टूर मारना नहीं है, अपना देश का जो पब्लिक है उसका भी देखभाल करने का होता है। देखभाल में एक जॉब भी आती है। हम लोग स्टूडेंट इतना पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, इतना परेशान होते हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें जीवन जीनी है, हमें एक व्यवसाय चाहिए, हम सरकार का सेवा करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज अधिक रहेंगे तो अधिक बच्चे जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोटेंशियल बच्चे हैं लेकिन लास्ट में जा नहीं पाते हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सब चीजों को काटा जा रहा है हर सेक्टर में, समझ रहे बात को? ये अग्निवीर का तो अलग ही मैटर है, इन्होंने बोला ही था कि डिफेंस को हम प्राइवेट करने वाले हैं। एमईएस में देख लो, इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट भी बहुत कम कर दिया,
रेलवे से इंजीनियरिंग जो ग्रुप ए कैडर की थी वो खत्म कर दिया। स्टेट एजेई का कोई रेगुलराइजेशन है नहीं, कभी एग्जाम मतलब सही तरीके से होती नहीं है, सही टाइम पे होती नहीं है, पेपर लीक होता है। किसी स्टेट का शिक्षा मंत्री खुद आके बोल रहा है कि ये कोचिंग सेंटर वाले 2 करोड़ 10 करोड़ दे के पेपर लेके खरीद के जाते हैं और लीक करवाते हैं, ऐसा वैसा। तो गवर्नमेंट क्यों चला रहे हैं आप? देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। मैं बस ये आप सभी से कह रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो हमारे सेवा के लिए बनती है, आपकी और हमारी सबकी। हमें सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, जब तक हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब तक ही है, क्योंकि वो हमारे और आपके जैसा ही इंसान है। इज नथिंग मोर मोर देन दैट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बात रही है प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा है, स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आखिर नौकरी के लिए कर रहे हैं आप? सर से जब पानी निकल जाता है ना तब सब कुछ होने लगता है, तो वही अभी हो रहा है। बट फिर भी हम अपील करेंगे, अगर मेरे कनेक्टिविटी में कोई बच्चा इन्वॉल्व है तो मत करो, प्रोटेस्ट में शामिल मत हो। शांति रूप से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संपत्ति देश का जलाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेन वगैरह जला दिया, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन वही पानी सर से पार हो गया तो कर दिया उन्होंने। कितना टॉर्चर करोगे किसी को, कितना टॉर्चर करोगे? एक तो 2 साल से वैकेंसी नहीं निकाला था आर्मी वालों का, अब निकाला भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला सिस्टम कर दिया। वो क्या करेगा क्या? वो जो 75% लोग बाहर आएंगे, एक्चुअली इसमें आप समझ नहीं रहे हैं, आर्मी में जो पहले से रिक्रूटमेंट हो रही थी, ये डिफेंस सेक्टर में, एयरफोर्स नेवी सब में, वो ओल्ड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अब हटा दिया गया, वो एब्जॉर्प्शन अब नहीं है। दिस इज द न्यू मेथड, और इसी बेसिस पे कैंडिडेट को लिया जाएगा। दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये नहीं होना चाहिए। आप ओल्ड मेथड भी रखते, इसके पैरेलल में ये चीज चलाते, तब लगता कि हाँ वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी भी इंक्रीज हुई, इसमें भी इसमें से भी 25% आदमी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो चलो कम से कम 25% वैकेंसी तो बढ़ती, और ओल्ड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को भी आपको रखना था। उसको हटा के ये स्कीम लाके क्या है? ये गलत है, तो वैकेंसी को कट ऑफ कर रहे हैं ना, समझ रहे हो बात को? दिक्कत वो है, तो ये हर एक सेक्टर में वैकेंसी को कट ऑफ कर रहे हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो 75% है इनका तो जिंदगी बर्बाद ही है, ये बाहर निकल के फिर नौकरी ढूंढेंगे। अरे बोलने का तो चापलूसी सभी करेंगे कि मैं ये दूंगा और मैं दूंगा नौकरी, लेकिन लास्ट में जब नौकरी देने का टाइम आता है ना, वो उस समय कोई नौकरी नहीं देता है। आप लिख के ले लीजिए, उस समय कोई नौकरी नहीं देगा, आप दर बदर ठोकरे खाते रहेंगे। और ये प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी करना बिल्कुल भूल जाइए, जब तक आपका जान पहचान नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तब तक आप नौकरी प्राइवेट सेक्टर में तो कर ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल से आपको नौकरी मिलेगा। अपने भाई को, भाई का बेटा को, उसके दोस्त का चाचा को, चाचा का लड़का को, इसको इसको सब लोग काम करेंगे, भले उनके पास स्किल हो ना हो। आपके पास स्किल है लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में एंटर नहीं कर पाओगे, चाहे वो अग्निवीर हो या और कुछ। दिक्कत वो होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो गवर्नमेंट से, जो ऑफिशियल रिटायर होते हैं उन्हीं लोगों को लिया जाता है मैक्सिमम, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी रहती है। प्राइवेट सेक्टर को पैसे कमाने से मतलब है, तुम्हारे जीवन जीने से नहीं, कि तुम क्या करोगे, समझ रहे हैं? मैं ये सिविल मैकेनिकल ये सब इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का अलग मैटर है। वहां पे तो कंप्यूटर साइंस में काम हो रहा है, तो वो भी देश के लिए थोड़ी ना, विदेशी देश के लिए ज्यादा करते हैं, अपना देश का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। उनका प्रोग्राम का कोडिंग छापते रहते हैं बैठ के, लेवल ऑफ एजुकेशन गिरा दिया। आप देख ही रहे होंगे, वायरल होता है बहुत सारा वीडियो। हाँ, स्कूल के जो सरकारी टीचर्स हैं उनको 3 का टेबल याद नहीं होता है, किसी को 3 का टेबल पूछ दो तो बोलेंगे हम सोशियोलॉजी के टीचर हैं। अरे तुम सोशियोलॉजी के टीचर हो तो 3 का टेबल तो एक बेसिक टेबल है, वो तो सबको आना चाहिए, चाहे वो सोशियोलॉजी का टीचर हो, हिस्ट्री का टीचर हो, कोई भी टीचर हो। तो वो तक नहीं आता जब आप वो सीधा बोल देते हैं आई एम टीचर ऑफ सोशियोलॉजी, आप सोशियोलॉजी से पूछिए। ये हालत है देश के अंदर, इन सब चीजों पे फोकस ना करके, क्योंकि जब तक आप यूथ कम्युनिटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, क्योंकि यही यूथ आगे चल के देश के सेवा में लगेगा ना। अरे तुम भी तो कभी यूथ थे, इतना स्ट्रगलफुल लाइफ ये सरकार बना रही है गरीबों के लिए, मत पूछिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वोट मत दो, वोट दो,
मोदी में, मोदी का दीवाना मैं भी था, आज नहीं, वो 2014 में जब वो उसको भाषण सुनता था, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, दीवाना हम भी थे, समझ रहे हैं कि नहीं, कि चलो भाई कम से कम एक बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर तो मिल रहा है जो बोलेगा, जो कुछ बोल रहा है ऐसा। लेकिन अल्टीमेटली निकला क्या, वही वही, मतलब होदा पहाड़ निकला चूहा, दिक्कत वही है। वेल ठीक है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है।